हमने नासा को एक इंटरनेशनल प्रपोजल भेजा, हमने डिफरेंट टीम्स का डिज़ाइंस किया, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट एवर अंडर 19 टीम है जो सिलेक्ट हुए हैं। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टीम्स का रिसर्च किया, डिज़ाइंस देखा, और उसके बाद हमने खुद का एक इंटरनेशनल रिपोर्ट, प्रपोजल रिपोर्ट बनाया जो नासा ने एक्सेप्ट किया, और उसके हिसाब से हमने फिर बहुत मॉडिफिकेशन करके हमारे रोवर को बनाया। वी वॉन्टेड टू डू समथिंग इनोवेटिव, समथिंग डिफरेंट टू मेक इंडिया स्टैंड आउट एंड टू ब्रिंग एन अवार्ड फॉर आवर कंट्री। So this NASA HERC competition, it is being held for many years. So we researched a lot about other teams and their rovers, and we found out something very different. We decided to go with the bar linkage first, but then we did something more innovative. So we replaced the bars with a triangular plate for proper force distribution. So all kinds of innovations, and you can say that Indian Jugaad has been done in our rover. ये जो हमारा जो NASA का human exploration rover challenge है, it is aiming to take this rover. Take this over for the Artemis mission. Abhi Artemis mission kya hai? Artemis mission is the next mission of Apollo, and yahan pe NASA is planning to take the second man and the first woman to the moon again. तो हमने क्या किया है, हमने एक रोवर डिज़ाइन किया है विच विल बी यूज फॉर द कम्यूट इन मतलब मून। अगर वो लोग एक मून का बेस बना रहे हैं द साउथ पोल, देन फ्रॉम द लैंडिंग पैड टू द मून बेस, मतलब हमारी ये रोवर यूज़ होगा।